सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि क्या आपको आपके मोबाइल फोन में सैटेलाइट वाला कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए क्या। तो आप से बोला 79% ने जी हाँ हमारे पास में होना चाहिए ये फीचर, के मतलब नेटवर्क कुछ भी रहे आप सीधा कम्युनिकेट कर पाए सीधा अपने डिवाइस को यूज करते हुए। और बाकी बोला यहाँ पे 21% ने कि नहीं यार जरूरत क्या है, हर जगह पे वाईफाई है, मोबाइल वगैरह सब कुछ चल जाता है और हम तो फिलहाल यार वेट कर रहे हैं इंडिया में 5G का। यहाँ पर दोस्तों आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नजर में आज की डेट में सबसे बोरिंग स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है, जहां पे एक के बाद एक एक जैसे और मतलब कुछ वो रीब्रांडिंग वगैरह करके या सिमिलर फोन सिमिलर प्राइस, मतलब यू नो आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है। कौन सा ब्रांड आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसा कुछ खास एक्साइटिंग काम नहीं कर रहा है, बताना आपका क्या है जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ दोस्तों हमारे पास में Realme GT Neo 3 की जो लॉन्च डेट है भैया वो सामने आ गई है और यहाँ पे दोस्तों एक पहली झलक मिल गई हमको इसी फोन की। ऐसे व्हाइट स्ट्राइप्स वाला डिजाइन है, कुछ एकदम ऐसा अलग सा किया है Realme ने। 22 मार्च को लॉन्च होने वाला है, बस देखना यह है क्या स्पेक्स पैक करता है और किस कीमत पे आता है ये Realme GT Neo 3 हमारे पास में अभी। वैसे दोस्तों हमारे जो न्यू मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ नो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राजीव चंद्रशेखर, वो ये बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि एक नो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए मोबाइल्स के लिए, मतलब नो कुछ एक इंडियन ओएस अगर बने तो आई मीन लेट्स से। दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, ये आता है स्टेटमेंट हमारे जो MOS हैं नो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, अगर हुआ तो फिर एंड्रॉयड और iOS का ऐसा ना हो कि इंडिया में नया रूल बने कि अगर फ़ोन है तो ये OS आना चाहिए या एज एन ऑप्शन। वैसे यार अगर कुछ नया बने इंडिया का बने और कुछ अच्छा बने तो डेफिनेटली यार हमको तो खैर देखो प्राउड ही होगा। वैसे यहाँ पे अभी सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 के अंदर भैया अभी कुछ नए रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इसके अंदर जो उसका स्क्रीन होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, साथ में यहाँ पे इसमें जो सपोर्ट होगा वो होगा रेगुलर एस पेन का, यानी कि एस पेन को आप फ़ोन में अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। तो मतलब लेट्स सी क्या रहती है पूरी कहानी इसी गैलेक्सी Z फोल्ड 4 की और सैमसंग कब और किस कीमत के साथ में इस फोन को लॉन्च करता है। हमारे पास में अभी IQ Z6 आ गया भैया इंडिया में स्नैपड्रैगन 695 के साथ में, 8GB तक की रैम है। यहाँ पे दोस्तों 120Hz का एक फुल HD+ डिस्प्ले है, मतलब अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही धमाकेदार शानदार सा ये एक 5G स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस एकदम ऐसा फुल्ली लोडेड मिलने वाली है, कल आपके लिए आ जाएगी इसी की अनबॉक्सिंग वीडियो। जो ऑफर्स के साथ में दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस है वो है 13,999 रुपये। यहाँ पे यार हमारे पास में अभी Google Pixel 7 सीरीज जो है वो लगता है कि बहुत जल्दी इस बार लॉन्च हो सकती है, जो कि यूजुअल टाइम रहता है उससे पहले Google लेके आ जाएगा। और यहां पे जो Pixel 7 है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा अगर आप कंपेयर करते हैं Pixel 6 से, और जो 7 Pro है उसका साइज एकदम सेम रहने वाला है Pixel 6 Pro की ही तरह। देखते हैं इस बार Google कौन सा नया यू नो फार्मूला डालता है इन्हीं के कैमरास को और बेहतर बनाने के लिए। यहां पे यार अभी हमारे पास में Redmi K50 Pro की कुछ लाइव इमेजेस निकल के आ गई हैं और देख के लगता है कि यार ये फोन प्लास्टिक का बना होगा। लेट्स सी यार क्या रहती है इस फोन के बारे में डिटेल्स। वैसे हम बात कर रहे हैं 108 मेगापिक्सल के OIS वाले कैमरा वगैरह की, देखते हैं क्या होता है Redmi K50 Pro। यहाँ पे वैसे यार अभी LG मतलब गुड बाय हो गया था LG का पिछले साल दोस्तों मोबाइल फोन्स की दुनिया से, लेकिन अभी भी अपडेट्स के ऊपर काम चल रहा है बिकॉज जो LG वेलवेट था अभी उस पर एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ रहा है। मतलब यार ये तो एकदम ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया है भाई, अगर आपने LG के कुछ फ़ोन्स वगैरह लिए थे अभी फ्लिपकार्ट वगैरह की सेल में तो बताओ कैसे चल रहे हैं, बताओ क्या जवाब नीचे कमेंट करते हुए। हमारे पास में अभी यहाँ पे एप्पल जो है ये M2 सीरीज दोस्तों जो लेके आने वाले हैं ना अभी चिपसेट्स की, उसके अंदर एक एक्सट्रीम एडिशन आने वाला है जहाँ पे 48 कोर का CPU और 128 कोर्स का GPU होने वाला है। क्रेजी परफॉर्मेंस हमको मिलने वाली है। देखते हैं एप्पल की कंप्लीट M2 चिप्स आती है उनका पूरा का पूरा लाइनअप जो है वो कैसा रहता है, M2 फिर M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra,
देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे यार हमारे पास में सैमसंग का गैलेक्सी एक्स कवर प्रो 2 जो है वो लीक हुआ है स्नैपड्रैगन 778G के साथ में। ये एकदम एक ऐसा रगेड फोन होता है सैमसंग का, देखते हैं अभी इंडिया में तो आता नहीं है लेकिन अगर आएगा तो आखिर किस प्राइस पे आएगा, बिकॉज ऐसा एकदम मजबूत सा फोन होता है हथौड़े जैसा और एकदम ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। यहाँ दोस्तों अभी बेंटले ने प्रॉमिस कर दिया है कि 2025 से शुरुआत करते हुए 5 सालों तक हर साल एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको देखने को मिलेगा बेंटले की तरफ से। तो यार ये एक काफी मेजर अपडेट है, मतलब अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे प्रीमियम कार मेकर की तो आपको 5 नए मॉडल्स मिल जाएंगे 2025 और 2030 के बीच में, ऐसा बोला है बेंटले ने। अभी खैर रोल्स रॉयस भी इलेक्ट्रिक वगैरह आने वाली है, बाकी जो है वो मर्सिडीज वगैरह काम कर ही रही है, बीएमडब्ल्यू जो है वो भी काम कर ही रही है, तो कहीं ना कहीं हमको मेन स्ट्रीम जो गाड़ियां हैं ये सब ईवीज जो है देखने को जरूर मिलेंगी यहां पे। यार अभी वैसे अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इसने मेटावर्स और एनएफटी वगैरह के अंदर भैया अपने पैर फैलाने का प्लानिंग कर ली है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ट्रेडमार्क्स वगैरह फाइल कर दिए गए हैं। वैसे क्या आपने कोई एनएफटी खरीदा या बेचा है क्या अभी तक, नीचे मुझे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। यहाँ पे अभी दोस्तों BGMI का भैया नया मार्च अपडेट आ गया है, होली धमाका मोड दोस्तों इसके अंदर आ गया है, नया प्लेग्राउंड एकदम आ चुका है, साइकिल वगैरह मिल रही है भैया जाने के लिए, तो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा इंडियन देसी फ्लेवर आपको देखने को मिल रहा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के इसी मार्च अपडेट में। अगर अभी तक नहीं किया है तो देख लो और मज़ा उठा लो, और मुझे बताओ वैसे कि साइकिल पे अगर आप गेम में जाते हो 1.2 पॉइंट तो कैसा आपको एहसास होता है, क्या बचपन के दिन याद आते हैं या नहीं। यहाँ पे यार वैसे अभी Honor Magic 4 सीरीज़ जो है वो चाइना में 17 मार्च को उसको लॉन्च होने वाली है, और यहाँ पे अभी Honor Magic 4 का अल्टीमेट या फिर प्रो प्लस एडिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है, और लगता है कि कुछ एकदम नया क्रेजी हो जाएगा। जब से Huawei से अलग हुआ है ना Honor, तो मतलब बहुत सही काम कर रहा है, आगे कर देखते हैं फ्यूचर में Huawei का भविष्य किधर जाता है भैया कुछ नहीं पता। यहाँ पे अभी हमारे पास में आईक्यू का दोस्तों वायरलेस पोर्ट नेक बैंड ईयरबड्स आ गए हैं, 18 घंटे तक की दोस्तों बैटरी लाइफ है और जो कीमत है वो है 1799 रुपये, तो एकदम सिंपल दोस्तों वो नेकबैंड स्टाइल के ईयरफोन्स हैं 1799 में। अब आईक्यू हो गया वो भी अपने लेके आ गया है, मतलब ये अच्छा लगता है कि बार जब ब्रांड्स अपने अपने वो जो प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज वाले हैं वो लॉन्च करते हैं, कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम डेवलप होता है अगर सभी प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे से काम करें। यहाँ पे दोस्तों लास्ट कार निकल के आती है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को लेके, ये दोस्तों इंडिया में आ गया है 17,400 भैया इसकी प्राइस है, बेस जो इसका वेरिएंट है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, स्नैपड्रैगन 750G के नाम को मिल जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ टाइम पहले कौन सा आया था सैमसंग का, गंगाधर शक्तिमान, तो ये है इसी फ़ोन की पूरी कहानी। अच्छा लगता है एटलीस्ट कि कम से कम बजट में भी अभी हमको स्नैपड्रैगन वगैरह मिल रहा है, तो मतलब सैमसंग एटलीस्ट वो एक्सिनोस से जब हटा है तो लगता है ये कुछ अच्छा कर रहा है दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सालों सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।